चलिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे गर्म होने के लिए। अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून सौंफ डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 2 टीस्पून साबुत धनिया डालेंगे। इसे अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे। देखिए रोस्ट हो चुका है, अब हम इसे निकालेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 1/2 बाउल स्लाइस किया हुआ कोकोनट डालेंगे, स्लाइस किए हुए 2 प्याज डालेंगे और उसे अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। इसे हम लाइट ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। देखिए कोकोनट और प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें 5-6 हरी मिर्च ऐड करेंगे, 8-10 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और इसे भी रोस्ट करेंगे। देखिए सब रोस्ट हो चुका है, अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। और अब हम इसे ठंडा होने रखेंगे। देखिए मसाला ठंडा हो चुका है, अब हम इसे मिक्सिंग जार में डालेंगे। ये रोस्टेड साबुत मसाला वो भी ऐड करेंगे। ये 1/2 बाउल हरा धनिया वो ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए पेस्ट हो चुका है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। देखिए ये 1/2 बाउल क्रैब्स के लेग्स है, उसे भी हम ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और फिर से ग्राइंड करेंगे। देखिए पेस्ट हो चुका है, अब इसे भी हम साइड में रखेंगे। तो चलिए अब हम इसे ड्रेन करेंगे। अब हम इस क्रैब्स की लेग्स की प्यूरी को साइड में रखेंगे। तो चलिए अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे गरम होने के लिए। तो कढ़ाई गरम हो चुके है, अब हम 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। देखिए ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून राई डालेंगे, 7-8 कड़ी पत्ते हैं वो ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, अब हम इसे सौते करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ 2 टोमेटोज ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए ऑयल सरफेस पर आ चुका है, अब हम इसमें जो पेस्ट किया था वो ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। जिस ग्राइंडिंग जार में हमने मसाला पेस्ट बनाया था उसी में हमने 1 कप पानी ऐड किया है, अब वही पानी हम कढ़ाई में ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये 1 किलो क्रैब्स है, इसे हमने अच्छी तरह से साफ करके धो कर रखा है। ये देखिए साफ किया सब, और अब हम इसे कढ़ाई में ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 500 ml पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। अब हम ये क्रैब की लेग की प्यूरी ऐड करेंगे, ये 3 टेबलस्पून इमली का पल्प है वो ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। अब हम इसे ढककर 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अब 15 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन खोलेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अब 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढककर 2 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर।
अब 2 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन खोलेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारा मसाला क्रैब रेडी हो चुका है, अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हम इसे चॉप कोरिएंडर लीव से गार्निश करेंगे।